हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। देखो अच्छी गुड मॉर्निंग हो रही है इनकी, 10 बज चुके हैं, हिल ही नहीं रहे ये बेड से। बस एक बार एक सेकंड के लिए हिले, वॉशरूम जाके आ गए और फिर सो गए। महाराज जी बहाना दे रहे हैं कि मुझे गाड़ी चलानी बहुत लंबी हंसे मत तेरी साले। वो एक हमारा प्रशांत जी यहाँ पड़े हुए हैं मस्त उड़ के, इनको पता नहीं कौन सी गाड़ी चलानी है। ये देखो सनलाइट में योगा कर रहे हैं, योगा इसलिए कर रहा है इसका प्रेशर नहीं बढ़ रहा। रुक जाएगा, सर उठ जाओ। इंतजार कर रहा हूँ यार, भाई सर को तो एक घंटा चाहिए फ्रेश होने के लिए। इसको तो भाई एक घंटा बोतल पूरी गर्म पानी होगी और पूरी फ्रेशेंगे। अच्छा आपका टाइम क्या है पहले आप बता दो। यही टाइम है इनका एग्जैक्ट, तो जाओ। अलग ही मैटर है, मतलब हमारे ग्रुप में परेशानी पता है किसकी है, नींद की उसकी होती होगी, किसी को नींद कुछ नहीं, प्रेशर नहीं बन रहा है किसी का। ये अलग कोशिश कर रहा है, वो अलग तरीके की कोशिश कर रहा है, ये अलग कोशिश कर रहा है, भयंकर भयंकर। ये रात को कोशिश कर रहे हैं अलग से कि सोने से पहले आ ही जाए। भगवान जाने भाई क्या ही हो रहा है ग्रुप के अंदर। भाई मेन टेंशन है प्रेशर की। यशी और वो मिकुड़ी भी उठ गई है अभी, गर्व सब वेट कर रहे हैं, गर्म गर्म पानी आए और चाय नाश्ता करें उसके बाद निकले यहाँ से। बन मन नहीं कर रहा बिल्कुल यार जाने का, तो मजा आ गया यार इस ट्रिप पे, खूब मजा आया, खूब मस्ती करी, खूब मजे करे। बर्फ के पहाड़ देख लिए, बर्फ में एंजॉय कर लिया। इस बार तो प्रॉपर्टी भी इतनी सुंदर थी कि मजा आ गया, यहाँ रहने का ही अलग फील था। और मस्त सोए हैं गरम गरम वाले बेड पे यार, कसम से यार, जो बेड के अंदर जो नीचे शीट लगी हुई रहती है ना, इसके अंदर प्लग लगा देते हैं और गरम गरम धीरे धीरे होने लगता है। इतनी प्यारी नींद आती है, इतनी डीप नींद आती है ना कि क्या बताऊं यार। अपन भी मंगवा लेंगे फ्लैट के लिए, वहाँ इतनी सर्दी नहीं है, वहाँ इतनी ठंड थोड़ी। भाई देखो गाइस क्या मस्ती हो रही है, सुबह सुबह सिनेमन से मिलो, मसाज हो रही है सिनेमन की, धूप में देख कैसे सिखाओ करा रही है। बेटा हमें भी ठंड लग रही है, हमारे भी सिखाओ कर दो कोई। चलो बैठ जाओ, चलो सिनेमन इसको मजा आ रहा है, बैठेगी नहीं है, आनंद आ गया भाई। तो अभी हितेश वहाँ पर है, अब देखो यार अब जा रहे हैं यहाँ से तो मस्ती के बिना कैसे जाएंगे, ठीक है। तो अब मस्ती का हमारा एक टारगेट है हितेश जी, ठीक है। तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं, उसको कुछ भी चैलेंज करके कि बेड पे कुछ भी, या फिर जबरदस्ती घेर लेंगे, पटक लेंगे उसको हम चारों मिलके, और उसके कपड़े ऊपर करेंगे और हाथ लगाएंगे ठंड ठंड। आ जाओ डॉग, तो कितने बहुत क्यूट होते हैं यार, हस्की। अपने उधर के वेदर में अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते ना, परेशान होते हैं। डॉग ले आएंगे गाइस, जब हम जा रहे हैं तेजी के पास, तेजी बैठेगा। देखते हैं इन्होंने पैकिंग करी नहीं करी है गाइस, क्या सीन है तुम्हारा, तुम्हारी पैकिंग होगी नहीं होगी यार, ये टीपू पे मैं स्क्रीन पे पैकिंग यार, ये हटाओ ना, ये पूरा बेड फैला दिया, बताओ यार। यार रितेश भी है यार, भाई इनको छोड़ दे, इनको यहीं छोड़ दो, टीवी 100 रुपए की बता दी, बात सुनो साफ कर लेंगे ना। मेरी बात सुन, जब तक ये मेरे से तमीज से बात नहीं करेंगे ना पता नहीं चल रहा, मतलब ये नहीं चल रहे यार। बेड तो खाली कर दो यार, पूरा बेड आपने कैमरों से भर दिया है। एक ना एक ऐसे काम कर दो, इनसे बहुत बड़े बदले लेने, ये इंसान सही नहीं है रे यार। जब इस जाएगा आज बता, ऐसे थार दे दो इनको, थार एक सेकंड ये वापस करता हूँ ये मेरे हाथ छोटे हैं, इसको पता चल जा रहा है। ठंडा ठंडा, अरे लाल हो गई तेजी। मैंने नहीं, मेरा पहले टेढ़ी है, क्या पता सीधी हो गई हो, दिखा लो कौन मारा, बहुत तेज लगी क्या, इसके टिपू में मारता ना पीछे से हाथ चला, आप बिल्कुल ही तमीज नहीं करते, तमीज नहीं कुछ वैसे मारते यार, हम मजाक भी कर रहे हैं तो मारे दोगे, आंखों में पानी आ गया और ज्यादा लग गई गाइस, वो यार लगती है नाक में तो आंखों में तो पानी आता ही है। अरे बाप रे ठंड में लग गई बहुत, और आंखों में से देखो कैसे पानी आ गया, उल्टा हो गया, उल्टा प्लेन हो गया, तो यार ये तो उल्टा हो गया, मैं तो परफेक्ट रहना था वो, देखो भाई तू मेरे कैमरा पकड़ा था, तू जाता ना तो एक बार में बस आ जाते, तो यार अब मैं क्या करूँ यार, भाई तुम इज्जत पे हाथ डाल दो, डायरेक्ट इज्जत पे पुलिस केस कर दूंगा ये डाल के। क्या ये टीपू ब्याह का प्लान था, इतेजी टीपू ब्याह का प्लान था, टीपिया इतेजी इनके इनके हाथ डाल दो, मेरे नाक पे लगती खून आ जाता था पहले, मेरे को ये लग रहा था खून आ जाएगा अभी, लेकिन नाक पे लगते तो गेम खत्म हो जाता है।
अरे तो मैंने कोई नाम थोड़ी लगा जगह का, चुपचाप बैठ रहा तू। गला गला सही गले पे लग गई तो खत्म मामला। आप चुप रहो। अपना यार प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया यार। कोई बात नहीं, तेरे पूरे कपड़े उतार के मेरे तो 70% चांस थे, है ना। अब कोई था ही नहीं साथ में यार। यार भालू को जाने भी छोड़ गया। मैं यहाँ पे कटा रहूंगा, कोई भी आएगा ना गटर में बग जाऊंगा यार। दोस्तों यार बैग तो पैक हो गया, जाने का मन ही नहीं कर रहा है यार। सच्ची बड़ा मजा आया भाई, सही में बहुत जल्दी खत्म हुई है यार। पता है जब होता है ऐसा, जब जल्दी खत्म होती है कि अपन एक दिन कहीं और स्टे किए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे भी अपन रहे, अपन इधर उधर जा रहे हैं। जब टाइम ट्रैवलिंग भी ज्यादा जाता है ना, तब ट्रिप का पता नहीं चलता भाई। लेकिन कुछ भी हो, टीपू का सामान सेट नहीं हो पा रहा भाई, अभी भी नहीं हो पा रहा। सारा सेट है, कपड़े 100 रुपए का पजामा, वो भी सेट नहीं कर पा रहा है। छोड़ दे भाई, इन बच्चों को दे दे जो काम कर रहे हैं। पजामा वैसे 800 का ही है, मेरे को 100 मिला है तो कुछ लोग जलते रहते हैं। मेरा पजामा 100 रुपए का, ये 800 रुपए का है ना, इसमें फिर भी जेब नहीं मेरे में, जो जेब एक्स्ट्रा है भाई। ये देख, ये नहीं जेब, मेरे में 4 जेब है भाई। ओ यार मेरे साथ क्या सीन है, क्या उसमें कुछ है? मैं गिने चुने 2 ही हुडी और पजामे लेके आया, वही पहन के घूम रहा है, और वही पहन के घूम रहा है, जिसमें से ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। और तो मैं भी तो यही पहन के घूम रही हूँ। मेरी भी वो काली वाली का है, मस्त हर जगह काली वाली पहन ली। हाँ, ये सर्दियों में कपड़े चेंज करने का वो नहीं होता। वैसे मैं तो लाया ही नहीं 2 के अलावा कोई और, बाकी सब शूट के लाया था। शूट वाले जो है कपड़े वो शूट के लिए यूज में लेता हूँ मैं ज्यादा, ऐसे ट्रैवलिंग के टाइम गाड़ी के अंदर तो बस जो कंफर्टेबल है वही। ढीले कपड़े, दुनिया के ढीले कपड़े है ना, बर्फ में जाने का फिर से मन कर रहा है। तेजी के समय हो रहा था कल तो। तो भाई मेरे हाथों में कुछ दिक्कत हो गई थी, पैर तो सही थे, तुम सबके पैर खराब हुए थे ना? नहीं मेरे तो नहीं हुए। हाँ तेरे नहीं हुए थे लंबा। तो हमारी दो ठंडे ना पाँव से डायरेक्ट समय चढ़ा, तेरे तो 1.5 घंटा लगता है। अभी बुखार है तेरे, बुखार ही होगी भाई। तो कपड़े पहनेगी नहीं, ऐसी घूमेगी। देखना अभी तो सही है, तो सही है। तो स्वेटर तो पहन ले, जब सब पागल है कि स्वेटर पहन रखे यहाँ पर। हाँ तो सबके अंदर ही पड़ी रहती, बाहर किसकी पड़ी रहती है? रात को भी ऐसी घूमती है एक टी शर्ट में बाहर। देख शकल ही उतरी हुई है, सही में लग रहा है बुखार हो रखी है। आंख मेरा ठीक रही जब तक जाके मैंने पूरा रुमाल का एक पैकेट खत्म कर दिया। क्या मानोगे तुम? तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। अचीवमेंट, अचीवमेंट। आपने और आपने क्या किया? और आपने क्या अचीवमेंट किया वो बताओ क्या? आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, बहुत सीक्रेट बातें होती है जो हम शेयर नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे उदम करते हैं लोग। एक बार रितेश भैया की शादी हो जाए फिर सब कुछ बता देंगे। हाँ यार, उनकी बीवी को, उनकी बीवी को। गाइज मेरे 2 पिंपल हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब मैं यहाँ पहाड़ों में आती हूँ, मुझे 1 पिंपल होता ही होता है, मेरे एक प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे पहाड़ों में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। इसका बर्थडे आ रहा है गाइज, सबसे एक डंडियों पे ना रुमाल के वो बना के, रुमाल लपेट के, और बस लॉलीपॉप जैसे होती है ना वो बना के देना है इसके नाक के लिए। तेजी के ड्रम बज गए। पहाड़ पे आगे पता चल गया थार कितनी अच्छी है। अरे यार चीख रुक गई तुम्हारी, तुम सब इधर देखने लग गए। सारी ऐसे से करवा जाएगी। एक थार होनी चाहिए यार, हितेश जी लिया खरीद ला, एक कल लाते हैं। बुक करा दिया आपने यार? अब अगर भगवान ने चाहा तो अगली ट्रिप मनाली की मैं ना थार से आऊंगा पर्सनल। करो, अगली गाड़ी थार नहीं आने वाली, थार लेंगे 5 डोर। तो चलो गाइस
पैकिंग भाई तेरे हो गया चुपड़ना चुपड़नी तो चले यहाँ से बेटा तू पहले ना स्वेटर पहले तो आज मेरे से पिटेगी तू हाँ जब पहन रहा हूँ गाइस जो 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 नहीं जाना चाहते हैं वो हाथ खड़े कर लो जो जो नहीं जाना चाहता हाथ नीचे कर लो बाकी चलो मैं जहाँ जाता हूँ घर क्यों रे इसको पिज़्ज़ा के लिए कुछ और यार नहीं भाई घर जाएंगे तभी तो दूसरी मेमोरी बनाएंगे मैं दो पांच दिन नहीं जाना चाहता अरे भाई मुझे तो भाई पतंग उड़ाने पतंगे लग गए पतंग उड़ानी जाके अभी यार थोड़ी बहुत यार न्यू ईयर आ गया इसको बर्थडे आ गया और इसको बर्थडे और आ गया प्लीज चुप हो जाओ कितने दिन बाकी है चार पांच दिन है दीदी का एक साल और गया जिंदगी का यार दस दिन ही बाकी यार पोपटलाल बर्थडे प्लान कैसे करना है इसका थोड़ा सा आइडिया दो ना इसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करा जाए मेरा क्या दिमाग ही चलना बंद हो गया इसमें वैसे चलता तो है नहीं सरप्राइज और इनके मामले में तो बिल्कुल डबोल हूँ मैं बिल्कुल डबोल मुझे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है तो मैं तो कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हाँ ये बात भी है तो तुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या चूज किया मेरे को मैसेज कर देना यार दोस्तों ओके गाइस टाइम टू गो मन नहीं है जाने का और स्पेशल थैंक्स टू ग्लैम व्यू होटल इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी और बहुत अच्छी जगह आपका बजट अच्छा है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ अपने पार्टनर्स के साथ फूड वगैरह सब बहुत अच्छा है सर्विसेज बहुत अच्छी है सो हम लोगों ने फुल एंजॉय करा क्यों दोस्तों मज़ा आ गया ना अभी यार अब देख लो हम बैग रखे हुए हमारे को एक घंटा हो गया है हम लोग इस प्रॉपर्टी से नहीं निकले अभी तक बट अब फाइनली निकलते हैं घर पहुँचते हैं घर वालों से भी मिलते हैं उनको चिढ़ाएंगे थोड़ा सा घर वाले तो जल रहे होंगे क्या अच्छी जगह रुके हो तुम क्या बर्फ में मजे कर रहे हो तुम सालो तुम्हें तो मजा आ गया मेरी छाती जानती है कल मुझे ना एक बार के लिए लगा था कि इतना थक गए थे कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है जैसे इस मीकुड़ी की हो गई है मेरे को तो बिल्कुल लगा था लेकिन रात की नींद बहुत अच्छी रही बॉडी थकान ज्यादा थी अभी भी मेरे पैर दुख रहे हैं हो गया लेकिन अच्छा पीछे बैठने की वो है क्या तेरी कमर दर्द हो रही होगी ना पिछले 5 साल में छाती दुख रही है दोस्तों थारों में एक ही दिक्कत है थोड़ी सी जगह कर लिया स्पेस आपकी सीट आपके साथ मेरे हिसाब से सेट है भाई इनके साथ जाएंगे क्या 10 किलोमीटर भी नहीं है 5-7 किलोमीटर है रुक गए खाना खाने के लिए नहीं रुके स्नैक्स ले रहे हैं भाई तू मत खाना स्नैक्स तू तो अभी चंडीगढ़ ही रुकी हो शाम को है ना हाथ मत लगा दियो स्नैक्स के स्नैक्स के हाथ मत लगा दियो चंडीगढ़ में दिला दिला भाई चल अभी पसंद करे दोस्तों निकल चुके हैं दवा की लगी हुई भाई साइड में लगा रखी है अपन लोगों ने यार चलो यार लेट हो जाएंगे अरे बस स्नैक्स ले लिया फिर रुकेंगे नहीं अपन सीधे वहीं रुकेंगे चंडीगढ़ में पहाड़ उतार के पूरा पूरा पहाड़ उतार भाई वो टीपू आ रहा दिख रहा है आपको गाइस कांच के अंदर पूरी थैली भर के लेकर आ गया इसलिए मैंने इसको भेजा था मुझे पता था ये सुनो ये हुई ना बात पूरी भर रहा है भाई थैली एक थैली वहां भी मिलती अरे भाई सुनो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी कोका कोला है 20 वाली कोका कोला वगैरह भी अगर आप लोगों एक रेड बुल ले लो एक रेड बुल दो कोक ले लो हाँ पता नहीं क्या क्या उठा लाया सब मिक्स करके लिया है बढ़िया तरीके से ये देख अनारदाने में ना ये सब भी लिया है कितना खाएगा चल भी ले इसमें से ना मेरा सिर्फ एक ही है दूध मेरी अभी पूरी वैसे हो रही है आधा घंटा हो गया यार खड़े खड़े यार कब पहुंचेंगे एक चीज बताओ आप जाके सो जाओगे गाड़ी में सो जाओगे रात को गाड़ी में जानी पड़ती भाई बढ़ ले इस पेट को अच्छा बानू टीपू बैग भेज दीजिए क्या बोलते जल्दी खाओ पियो अपने पेट को भरो चल रहा है खा लो भाई जल्दी आ रहा है टीपू भैया हमने पूरा सामान भर लिया है भाई मैं ये वाली चॉकलेट खाती हूँ हमने इतना सब कुछ जो है ना ये 1300-1300 रुपए का लिया है क्या बात है इतना महंगा उनकी गाड़ी में भी तो एक थैली गई है अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है मैं देखी इतना अब टीपू भैया को जरूरत है ना के लिए लगेगा आगे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या हुआ है आगे एक्सीडेंट हुआ है और ऑल्टो गाड़ी दो मतलब ये जो खड़ा है ना जेसीबी ये खड़ा हुआ था हाँ। तो एक गाड़ी स्पीड में आ रही थी उसका देखा ना ऑल्टो गाड़ी ने उसमें घुसेड़ दी पीछे से हाँ। तो जैसे रुकी वो पीछे वाला और स्पीड में था उसने ठोक दी दो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है राइट साइड में हुआ है राइट साइड लेफ्ट साइड वाले क्यों रोक रखे इन्होंने क्योंकि जो गाड़ी ठोकी थी ना वो अभी पूरी इधर आ गई थी और बहुत मतलब जो एक गाड़ी तो ज्यादा हुआ है बच गए ज्यादा लगी नहीं है बट हाँ गजेरी राइट में ऑल्टो कार जिसका एक्सीडेंट हुआ था आगे से गई भाई ये तो पूरी गई है तो भाई बच गया वो दूसरा ऑल्टो वाला कैसे चला रहा था कि गाड़ी घुसा दिया उसके अंदर खड़ी जेसीबी के अंदर ही घुसा दिया वो पैक हो गई वो तो अंदर ही हाँ उसको दिखी नहीं होगी उल्टा उसकी इतनी लगी इसके पीछे ना ये गाड़ी आ रही थी
इसके तो सब खुल गए, एयरबैग भी खुला है। हाँ दोनों दोनों एयरबैग खुले, गैस निकल रही थी पर मतलब वैसे देखो यार ये देखो जेसीबी के अंदर घुसी हुई गाइस। अभी हम रास्ते में रुके थे सुसु के लिए और ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं। अरे किसको बुला रहे हो? अरे किस किस नाम से? कहीं में अच्छा बुलाने में वो देखो रेस्टोरेंट वाले भैया देख रहे हैं आपको घूर घूर के। हम लोग अभी रुके एक ढाबे पर, भानु गया है वॉशरूम वगैरह उसको यूज करना है और टीबू भैया हमारी गाड़ी में आएंगे। क्यों आएंगे ये बता दो हितेश जी, क्योंकि जरा हितेश भैया को बहुत याद आ रही है टीबू भैया की। मुझे तो कुछ नहीं आ रही। झूठ क्यों बोलते हो? पता क्या बोलते हैं यार मैं बोर हो गया टीबू भैया को बुला लो। 200 किलोमीटर चल रही है अभी, बस 550 किलोमीटर हो रहे हैं। 523 मतलब 5 घंटे 23 मिनट में अपन 200 किलोमीटर आए। इसलिए पहाड़ों का रास्ता था ना, अब तो सुसाट निकल देंगे अपन। पहाड़ों के रास्ते में प्रॉब्लम होती है, आप टाइम लगता है सारे मोड़ ही मोड़, आप तेज नहीं चला सकते, आपको एक स्पीड पे चलाना पड़ता है। हाँ मिलो मिलो क्या कर रहे हो? हेलो बताओ पी रहे थे प्रशांत सर सीधे हो लो। अरे भाई मैं जानता हूँ मैं कैसे आया हूँ। अरे ये भैंस पे आपने बैग दे दिए इधर इधर बार बार इधर उधर आए। ये वाला बैग अच्छा ये बेलमैन। अरे ये टिश्यू पेपर देना है। टिश्यू पेपर गीला वाला टिश्यू पेपर क्या हो गया? सूरज गीले टिश्यू ज्यादा गंदा हो जाएगा इसमें ना। गुड लाइन सूखा टिश्यू दे दे। सूखा टिश्यू देती हूँ, कपड़ा दे दे मुझे साफ करने के लिए। देती हूँ। और तेरा उसका क्या होता? बितका अभी तो ठीक है, दवाई लिए तो ठीक है। ठीक है वो क्या है तेज भाई को याद रहती टिकू भैया की, बोले बुलाओ रे यार बोर हो गए। एक बात बताओ मेडिकल कहाँ से आया यार? कुछ बोल दिया चार्ज से क्यों भाई? अरे वो खिला रहा है, मैंने खोला भाई, मैंने खोला ही नहीं है। मैं देखा टीपू खाने आ गया इधर वापस, तो खाऊंगा ना यार मेरे। क्यों आप भी लेके गए थे एक पैकेट, वो कहाँ गया? वहीं पड़े तो खाए नहीं? नहीं झूठ मत बोल। अरे झूठ मत बोल, सेफ करने वाली बात हो गई। अभी प्लानिंग है कि यहाँ पे खाऊंगा फिर वहाँ पे जाके मांग खाऊंगा भाई। प्लानिंग ये है हम ना आपको यहाँ खाने देंगे और वहाँ का तो पता नहीं। खिलाओ उनको, सिर्फ इनको ही खिलाओगे? अरे भाई वो खा गए खुद ही यार। भाई गाड़ी चला रहा हूँ यार, भूख लग रही है, एक बजे से कुछ नहीं खाया यार। नहीं ऐसे ही करना ठीक है, रुको एक बार वापस। ओ यार ओए बानू को बोल दे मैं मेरे खाते में। खिला दो एक तो खिला दो। अरे भाई एक खिला दो पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा। पक्का लगा मैं खिला दो यार, बोल दे क्या खिला है यार भाई यार क्या खिलाया तूने? पर बारे गर्मी तो फुल एंटरटेनमेंट चल रहा है। अब जयपुर फटाफट आने वाला है। गाइस तो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं हम लोग, स्टारबक्स आए हैं अभी, कुछ खाते पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। अड्डे यार जाने का रास्ता छोटा लग रहा था, लंबा लग रहा है, लंबा लग रहा है। गाइस आने की एक्साइटमेंट ज्यादा थी ना अपने को, बहुत ज्यादा थी। अभी तक तो अपन चंडीगढ़ ही पहुंचे, दर्द हो गए बंदे। हम आए थे चंडीगढ़ के मैकडॉनल्ड्स और यहाँ पे सब कुछ आप मतलब ऐसे ऑर्डर कर सकते हो लाइक खुद से ही, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड एंड डिजिटल, बहुत बढ़िया चीज है। हो गया ऑर्डर? हो गया, आ गया। ये रिसीट भी यही मिल जाएगी, बहुत सही है। उधर से लेकर हम लोगों ने मैकडी में हमारा डिनर लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी मान लो वो कर लिया और अब हम जा रहे हैं और सीधा ये गाड़ी अब जयपुर ही रुकेगी, उससे पहले नहीं रुकेगी। अगर गलती से रुकी भी तो वो इसलिए रुकेगी कि हमारे कमर टूट चुकी है और अब हमें रेस्ट लेना है, या सूरज और रितेश भी परेशान हो चुके हैं, अब उन्हें रेस्ट लेना है। गाइस अभी भी इतना ज्यादा लंबा रास्ता लग रहा है, मतलब जाते वक्त तो क्या होता है ना जर्नी में आपको एक्साइटमेंट होती है ऐसा वैसा, और जब आप आते हो वापस तो भगवान बब्बे एक रास्ता ही नहीं कटता है, ऐसा लगता है भाई खत्म हो। अभी भी कितना टाइम दिखा रहा है? 10 घंटे 41 मिनट यार तुमने काम थोड़ी देर में, तो 9 घंटे बोला था। झूठ बोल रहा है। अरे देखो ना 8 घंटे 26 मिनट दिखा रहे हैं। ये देखो मेरे में, ये बंद कर दे ये चलो। 38 मिनट चलेगी। ओके डन। बिल्कुल हमारे पीछे ना, पीछे हो ना? पीछे नहीं है। हाँ ट्रक के पीछे, ट्रक के पीछे, ट्रक के पीछे। धीरे धीरे आना, बिल्कुल बिल्कुल कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर ना। गाइस आगे भयंकर कोहरा हो रहा है। हाँ बिल्कुल धीरे चला रहे हैं, आराम चलाना, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा हमारे लाइट से। बहुत तगड़ा कोहरा है यहाँ पर। ठीक है गाइस कोहरा देखो आप एक्सप्रेस वे पे, हर बार मिलता है, पिछली साल भी मिला था, पिछली साल तो चंडीगढ़ में मिला था। हाँ तो यही एक्सप्रेस वे था जिसमें मिला था। दोस्तों पहुँच चुके हैं जयपुर और अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी,
बहुत तेज नींद आ रही है ना, ऊपर जाकर ब्लॉग बनाने की हिम्मत ना कुछ, तो कार में ब्लॉग एंड कर रहा हूँ गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।